नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अंतर्गत एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि महाविकास आघाड़ी अंतर्गत नालासोपारा और वसई सीट को लेकर एक फॉर्मूला सेट हो गया है। वसई सीट पर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को वहां दावेदारी देने वाली है और कांग्रेस में से वहां विजय पाटिल वसई से लड़ने वाले हैं। वहीं नालासोपारा से पंकज देशमुख का नाम सामने आया है कि पंकज देशमुख को दावेदारी लगभग तय हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। ये इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पंकज देशमुख दावेदारी जाहिर होने का हार्दिक अभिनंदन का पोस्टर और बैनर भी उनके समर्थकों द्वारा लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पंकज देशमुख, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट के जिलाध्यक्ष भी है, पालघर जिलाध्यक्ष, उनको महाविकास आघाड़ी नालासोपारा से उतारने वाली है। ये एक बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। वहीं आपको हमने बताया कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को वसई से उतारने वाली। अब इसमें एक चीज है, कांग्रेस वसई जो विधानसभा 133 है, वहां शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट में कांग्रेस को यह सीट नहीं दी जाए, इसको लेकर मांगनी भी की गई थी। उसका भी एक पत्र सामने आ चुका था। उसके बाद अब यह बात अहम हो जाएगी कि क्या अब जब यह लगभग साफ हो रहा है कि विजय पाटिल, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, उनको यह सीट अलॉट की जाएगी, तो क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के लोग उनको मदद करेंगे? तो कहीं ना कहीं इस समय आने वाले चंद दिन इन पार्टियों के लिए काफी अहम है। वहीं आपको बता दें कि पालघर जिले की इन दोनों तीनों पर खास करके मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। वसई की बात करें तो वसई में एक तरफ विजय पाटिल का नाम सामने आया, हमने आपको बताया, दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी है, वो अपना प्रत्याशी उतारेगी। पिछली बार हितेंद्र ठाकुर यहां से लड़े थे और उन्होंने चुनाव के बाद में ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, लेकिन लगभग ऐसा ही लग रहा है कि हितेंद्र ठाकुर फिर से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी या महायुति की तरफ से कौन सा प्रत्याशी वसई से आएगा, ये फिलहाल अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनोज पाटिल जो है वो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां तक भी सुनने में आया कि अगर मनोज पाटिल को टिकट नहीं मिला तब वो मनोज पाटिल विथड्रॉ करके इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वसई अंतर्गत एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला, या अगर महायुति किसी और को प्रत्याशी बनाती है उस परिस्थिति में चतुष्कोणीय मुकाबला भी बनने की संभावना है। तो वहीं नालासोपारा में भी कुछ ऐसे ही हाल है। नालासोपारा से बहुजन विकास आघाड़ी अपना प्रत्याशी, जहां उनके विधायक क्षितिज ठाकुर है, उन्हीं को दोबारा उतार सकती है। वहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उबाटा के पंकज देशमुख, जिनका हमने नाम बताया, वो उतारने वाले हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति में यह तय है कि इस बार नालासोपारा से महायुति में शिवसेना शिंदेगढ़ नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार के तौर पर राजन नाइक का नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ और भी नाम, इच्छुक उम्मीदवार और भी है। तो ये तीन पार्टियां तो हो ही गई, साथ ही शिंदे गुट के नवीन दुबे भी इच्छुक उम्मीदवारी जता चुके हैं। उनके समर्थक भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको उम्मीदवारी मिले। और ऐसी परिस्थिति में अगर शिंदे गुट उनको नहीं उतारता है तो वो भी विद्रोह कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोई विद्रोह कर रहा है कि नहीं और कौन किसके पक्ष में जा रहा है। और तभी तस्वीर साफ होगी, तो ही साफ होगा कि चुनाव किस ओर बैठेगा, वरना ये चुनाव काफी रोमांचक हो सकता है। तो हम इन चुनावी अपडेट पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर वसई से विजय पाटिल और नालासोपारा से पंकज देशमुख के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में दीजिए। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।